नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर में। आज जो हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट 2018 का आप लोग का जो है टीयर टू प्रिपरेशन, आप लोग का डे नंबर 17 है ये। तो इसका आप लोग का बेसिक में आप लोग को थोड़ा सा बता दूँ कि टीयर वन आप लोग का ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, टीयर टू का प्रिपरेशन चालू हो चुका है। टीयर टू में बेसिकली आप लोग के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आप लोग का रिटन जो कि होता है 40 नंबर का, और एक होता है आप लोग का स्पोकन जो कि होता है 10 नंबर का। तो 40 नंबर का रिटन जो होता है उसी में से आप लोग को पास होना होता है। टोटल आप लोग को 50 में से 20 के ऊपर अगर लाएंगे तभी आप लोग जो है क्वालिफाई करेंगे टीयर थ्री के लिए, मतलब टीयर थ्री आप लोग का मेरिट के लिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग का जो टीयर टू है टीयर थ्री है इसमें आप लोग का टीयर टू का मार्क्स आपका जुड़ना नहीं है मेरिट में, टीयर थ्री का मार्क्स जुड़ना है। टीयर थ्री आपका 50 नंबर का होता है, टीयर वन आप लोग का ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है 100 नंबर का। 100 प्लस 50 150 में आप लोग की मेरिट बनेगी, ठीक है। मेरिट बनेगी आप लोग की 150 की, 150 में आप लोग की मेरिट बनेगी। तो टीयर वन और टीयर थ्री देने के लिए आप लोग को टीयर टू जो है वो क्लियर करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। अगर आपका क्वालिफाई नहीं है तो आपका मेरिट में कितना भी अच्छा हो तब भी आप लोग को बाहर कर दिया जाएगा अगर टीयर टू में क्लियर नहीं है। तो टीयर टू में बेसिकली आप लोग को रिटर्न में क्या करना होता है, मैं आप लोग को इंग्लिश या हिंदी में देता हूँ तो कोई भी पैराग्राफ, तो उसको आप लोग को उसके उल्टे में करना है। जैसे इंग्लिश में दिया तो हिंदी में करना है, हिंदी में दिया तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। लिखने के बाद उसके ऊपर अपना नाम और रीजन लिखते हुए आप लोग को मेरे मेल आई डी में जो कि आप लोग का है examcracker@yahoo.com, examcracker@yahoo.com में जो है आपको मेल कर देना है उस पैराग्राफ को लिखते हुए उसके ऊपर नाम और रीजन दर्शाते हुए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स के बारे में बता दूं आप लोग को, जब भी आप लोग लिखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है राइटिंग। राइटिंग आप लोग की कैसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का। अक्षर कितने सुंदर दिख रहे हैं, अक्षर कितने क्लियर दिख रहे हैं, काटा पिटी कितना कम है, ओवर राइटिंग कितना कम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसे, ठीक है। उसके बाद अगर वोकैब, सेंटेंस मेकिंग, ग्रामर और स्पेलिंग में अगर गलतियाँ होती भी है तो उसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका राइटिंग ही ख़राब है तो आप लोग का आगे कुछ भी चेक करने के लिए सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं आता है, और उसके बाद आप लोग को 15 नंबर वहाँ दे के साइड हो जाता है। इसलिए अपना राइटिंग जितना हो सके सुधार लीजिए, टाइम बहुत कम है, कभी भी आ सकता है। जम्मू का जो है, जम्मू का जो आप लोग का री एग्ज़ाम होने का उसका डेट्स कभी भी आ सकता है। उसके बाद आप लोग का जो है एग्ज़ाम आप लोग का जो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद तुरंत रिजल्ट देके वो टीयर टू का आप लोग का डेट्स देगा। इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, एंड टीयर थ्री का जो रेगुलर वीडियो चल रहा है आप लोग का करंट अफेयर्स का उसको भी देखते रहिए साइड बाय साइड। करंट अफेयर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स टीयर थ्री इंटरव्यू के लिए। 50 नंबर में इंटरव्यू में अगर कम नंबर आए तो आप मेरिट से ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। चाहे आपका रिटर्न आपका टीयर वन में कितना भी मार्क्स हो, 50 में भी आपको कम से कम 30 के ऊपर लाना है, और 30 के ऊपर लाना है तो उसको रेगुलर वीडियो को आप लोग को चेक करना है। करंट अफेयर्स में एक भी क्वेश्चन आप लोग का छूटना नहीं चाहिए। मैं जितना भी बता रहा हूँ आपको रिलेटेड टू इंटरव्यू ही बताऊँगा, उसमें ऐसा नहीं रहेगा कि आप लोग को इंटरव्यू में वो काम नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो चलिए आ जाते हैं आज का, हम लोग देखते हैं आज का जो आप लोग का है मेन जो आज का जो उसको जिसको आप लोग को कन्वर्ट करना है तो इलेक्शन से रिलेटेड है। जो आप लोग का लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है उससे रिलेटेड है। तो इसमें आप लोग का आचार संहिता लग चुका है, जो आचार संहिता लग चुका है इसके ऊपर आपका छोटा सा पेपर ऑडिट ट्रायल ये सब इसके ऊपर में छोटा सा पैराग्राफ है, ऐसा पैराग्राफ भी आपको देखने को मिल सकता है, पैराग्राफ को जो है कन्वर्ट करने को मिल सकता है। तो इसको कन्वर्ट कीजिएगा, एंड इसको हिंदी में लिखने के बाद अपना नाम और रीजन से लिखते हुए उसको आप लोग मेल कर दीजिएगा मुझे मेल आईडी में। अगला हम लोग देख लेते हैं, पिछले वीडियो में जो है हम लोग देखे थे कि आप लोग का बोलो ऐप जो है वो बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा, तो उसके ऊपर इंग्लिश में था तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करना था। तो उसको कुछ स्टूडेंट्स ने अच्छा किया है, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, तो उसको देखने वाले हम लोग। तो ये जो दिव्या शुक्ला जी हैं, जो मुझे मेरे ख्याल से इन्होंने अपना रीजन नहीं लिखा है लेकिन ये रेगुलर स्टूडेंट है, मुझे याद आ रहा है इनका गोरखपुर यूपी से हैं ये शायद। तो दिव्या शुक्ला जो है उन्होंने ये लिखा है, गूगल ने बोलो नामक मुफ्त ऐप का शुभारंभ किया जिसे डाउनलोड कर अभिभावक अपने प्राथमिक श्रेणी में पढ़ रहे बच्चों की हिंदी व इंग्लिश, इंग्लिश नहीं अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी पढ़ने की कुशलता को सुधारने में उनकी मदद कर सकते हैं। इसका शुभारंभ भारत में पहली बार किया गया। इस रूप में इस ऐप में इस ऐप का खाका, खाका का मीनिंग होता है आप लोग का इसका लेआउट, इसका जो प्लानिंग है वो खाका, इस खाका में आप लोग का मेन एक चीज़ बता दूं आपको, ख में जो है, ख में र और व जो होता है वो मिला होता है, ठीक है। ख में मतलब जो सामने वाला होता है वो व के साथ मिला होता है, उसको ख बोलते हैं। तो ये जो छोटा सा गैप दिख रहा है ना उससे रवाका हो जाता है, ये रवाका गलत चीज़ हो जाएगा। इस ऐप का खाका सही आंसर है आप लोग का, खाका है। तो खाका में आप लोग को कभी भी गैप नहीं देना है, ये छोटा सा छोटी छोटी मिस्टेक है लेकिन इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। राइटिंग इतनी सुंदर है तो राइटिंग के कारण मैं आप लोग को पहले भी बताया हूँ राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग देखते ही सामने वाला नंबर दे देता है। इस ऐप का खाका इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह ऑफलाइन भी कार्य करेगा। इसमें अंतर्निहित एक दिया नामक साथी भी है।
अंतर्निहित लिखने का ज़रूरत नहीं, इसमें एक दिया नामक साथी भी है और बच्चों के जोर से पढ़ने पर उन्हें प्रोत्साहन देता है, विभिन्न सामग्रियों द्वारा समझाता है व उनकी त्रुटियों में त्र जो है उसमें थोड़ा सा आप लोग का ल टाइप से दिख रहा है तो त्रुटियों को भी सही करता है। बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। तो मैं ऑलरेडी मैं इनको बता चुका हूँ कि इनको क्या करना है। नॉर्मली अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो बस आप करंट अफेयर्स के वीडियोस जो हैं Tier 3 के उसको देखते रहिए एंड उसका अलग से नोट्स बना दीजिएगा। मैंने उसमें क्या है, बुलेट पॉइंट अलग से बताता हूँ, मैं बुलेट पॉइंट करके पॉइंट्स बताता हूँ, उसको ब्लैक पेन से लिखना है और ब्लू पेन के उसके बगल में आप लोग को ये लिखना है कि उसके बारे में जो मैं मुँह से बोल रहा हूँ, ठीक है, जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग को साइड बाई साइड उसको अपने भाषा में लिख लेना है, लेकिन बुलेट पॉइंट को लिखना नहीं भूलना है। बुलेट पॉइंट से आप लोग को रिवाइज करना है उस चीज़ को, ठीक है। बहुत अच्छा से आप लोग का बुलेट पॉइंट से जो है ये पहली बार आपका जो है ऐसा देखने को मिलेगा कि इतना आसान हो जाएगा आप लोग के सामने करंट अफेयर्स, सब कुछ याद हो जाएंगे। आप दीप्ति सिंघल जो कि दिल्ली से लिख रही हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अगला जो है विशेष गुप्ता जो कि दिल्ली हेल्को हेडक्वार्टर से लिख रहे हैं, उन्होंने भी बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। अगला है मनीषा, मनीषा ने भी बहुत बढ़िया लिखा है, दिल्ली के हैं ये भी। और नंदिता मल्लिक ये भी दिल्ली से, मतलब मैक्सिमम दिल्ली के बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन चल रहा है, और जो भी दिल्ली से है लग जाओ पढ़ाई में क्योंकि कॉम्पिटिशन आपका बहुत तगड़ा होने वाला है, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स वहाँ से पास होने वाले हैं। Tier 2 सबका निकलेगा, मेरे को तो लग रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं Tier 2 निकाल आराम से क्वालिफाई कर देंगे। Tier 2 क्वालिफाई करा आराम से करना, मतलब दिल्ली के स्टूडेंट्स बहुत, मेरे को काफ़ी काफ़ी जो है मेरे को मैक्सिमम हम दिल्ली से ही आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, जयपुर से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं और सारे नहीं पता क्या हो गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे भी हिंदी वाले हैं, उन लोग नहीं पता रिस्पॉन्स उतना नहीं आ रहा है। अगला हम लोग देखते हैं सौरभ कुमार, सौरभ कुमार लखनऊ से लिख रहे हैं, इनका थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने। गूगल ने एक मुफ्त ऐप बोलो का अनावरण किया है, ठीक है, जो माता पिता अपने प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे बच्चों के हिंदी एवं अंग्रेजी के पाठ्य स्तर को सुधारने में प्रयोग किया जा सकता है। सर्वप्रथम भारत के अनावरण करते हुए इस ऐप का ऐसा विकसित किया गया है जिससे यह ऑफलाइन भी कार्य करे। इसमें पुनः निर्मित पाठ्य साथी दिया है जो बच्चों को उत्साहित और मदद में डबल डबल द आएगा, मदद में जो है आप लोग को डबल द आता है, द जो है दो बार आता है, त नहीं आता है, मदद त नहीं होता है, मदद होता है तो म द द होता है, ठीक है, यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। व्याख्या एवं सुधारने में सहयोग करेगा जैसे वे तेज तेज पढ़ें, ठीक है, जैसे जैसे वो तेज तेज पढ़ेंगे। बहुत अच्छा लिखा है, इनकी राइटिंग भी आप लोग देख सकते हैं, राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। तो मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, रीडिंग अच्छे से रखिए एंड Tier 3 का जो प्रिपरेशन चल रहा है करंट अफेयर्स का उसका बुलेट पॉइंट्स को तैयार कर लीजिए और उसके अच्छे बगल से अच्छे से राइटिंग से उसका एक नोट्स बना लीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। इसी में से आप लोग को इन्हीं तीन महीनों में से आप लोग को जो सब कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। और ये दीप्ति सिंघल जी का तो मैं बता चुका हूँ, तो ये जो है आप लोग के कुछ इंपॉर्टेंट जो अच्छे लिखा हुआ था मैं उनको डिस्कस कर लिया, दो को डिस्कस कर लिया और नाम ले लिया मैंने जिस चीज़ का और अच्छा है तो दो को डिस्कस ले लिया। तो इन ये जो डिस्कशन हुआ इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको एंड आप लोग का जो Tier 3 का प्रिपरेशन का Day 2 है उसका भी आपका वीडियो डलने वाला है, उसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। बुलेट पॉइंट मैं आशा करता हूँ आप लोग एक अलग कॉपी बना लिए होंगे, एक कॉपी में बनाने के बाद एक बुलेट पॉइंट उसको ब्लैक पेन से लिखना है, उसके सामने जो आप लोग उसका डिस्क्रिप्शन उसको जो है ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है, उसको गलती मत कीजिएगा। Tier 3 का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 नंबर है ये मत भूल जाइएगा, 50 नंबर है, उसमें से आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो करंट अफेयर्स आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, और मैं तो आपके सामने हूँ ही बताने के लिए क्या चल रहा है। तो उसका बस आपको नोट्स बनाना है, उसको दिमाग को बैठाना है और जितना हो सके उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, अभी अगर पढ़ लोगे तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ मेरे से जो 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 जुड़े हैं उनको तो अच्छा लग ही रहा है और जो नए लोग हैं वो जुड़ जाएं हमारे साथ, और जुड़ने के लिए आपको जो है सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाना है और उसके बगल में बेल बटन है उसको दबा दीजिएगा तो तुरंत नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड खुश रहिए एंड पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।